वी विल नाउ कॉल द सिंगर्स ऑन स्टेज ताकि हम उनकी जजमेंट बता सके कि कौन है जो 10 मिनट और रुकेगा, कौन है जिन्हें इसी वक्त घर जाना होगा. एंड आफ्टर दैट द एंटायर बिट, जहां पर ये पता चलेगा कि कौन है वो 20 या 22 या 18 या 25, आई डोंट नो, जो ग्रैंड फिनाले तक पहुंचेंगे. आई थिंक एवरीबडी जिन्होंने भी आके इधर परफॉर्म किया बहुत अच्छा परफॉर्म किया. एंड इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग व्हाट हैपेंस आफ्टर यू लीव द स्टेज, बट द पार्टिसिपेशन वॉज वेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट व्हाट यू डन टुडे. कुछ पॉइंट्स हैं, आई विल जस्ट टेक योर 2 मिनट्स एंड इट्स जस्ट काइंड ऑफ एन एडवाइस कमिंग फ्रॉम माई एंड. आप लोग कभी भी कोई भी कॉम्पिटिशन में जब हिस्सा लें, पार्ट लें, तो काफ़ी सिंग जिन्होंने परफॉर्म किया परफॉर्म्ड विदाउट एन ट्रैक. मैं यही बोलूँगा अब जब भी जहाँ भी परफॉर्म करें एक -1 ट्रैक के साथ परफॉर्म करें, सो दैट गिव्स द जजेस टू जज यू ऑन अ बेटर प्लेटफॉर्म एंड गिव यू द राइट काइंड ऑफ मार्क्स बिकॉज यू गाइस आर लूजिंग ऑन मार्क्स. जब भी आप नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करो एक माइनस ट्रैक के साथ आप परफॉर्म किए. आप जब भी गाना चूज़ करते हैं अपने आप के लिए ना कि ये मैं एक गाना जाके परफॉर्म करना चाहता हूँ आज कंपटीशन में, ज़रूर देखिए आपकी वॉइस क्वालिटी के साथ आप वो पिच मैच कर पा रहे हैं कि नहीं. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव अ गुड वॉइस बट आप लोग गलत गाना शायद गा रहे हो. तो एक सेंसिबल डिसीजन अपने आप के लिए लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है. नो वे योर वॉइस रेंज क्या है, आपकी वॉइस की रेंज क्या है, उस हिसाब से आप गाना चूज़ कीजिए और वो गाना गाइए. ऑल्सो जब आप गाते हैं यू नो लिटिल मूवमेंट विद योर बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आपको बॉडी लैंग्वेज पे मार्क्स दिए जाते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैविंग द राइट काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज ऑन स्टेज एंड यू डू समथिंग इनोवेटिव एंड डिफरेंट देन द अदर पार्टिसिपेंट्स हु आर देयर. एंड योर एक्सप्रेशंस ऑल्सो यू नो दे ऑल मैटर. सो यू नो व्हाट यू आर सिंगिंग, हैव एन एक्सप्रेशन. जहाँ नॉटीपन है तो नॉटीपन, थोड़ा रोमांटिक है तो यू गेट अलॉन्ग विद दैट मूड. एंड आई थिंक एवरीबडी ऑफ यू परफॉर्म वेरी वेल, सो आई लाइक एवरीबडी गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस. So when I'm announcing the results, don't think you're bad, you're good. This yellow card is not your destiny, you know, but it's just the path to where you're going. So I would wish you all the very best and wherever you go in life, wherever you perform, just keep these things in mind so you get better marks next time. I would like to call on GA05. I didn't want to appreciate anybody personally or किसी को बुरा भी नहीं बोलना चाहता था, but these two, I think you all are absolutely fantastic. I would like to stand for you guys. You really took the entire, you know, attention to you, and that's how it is. And I think you both are brothers, right? Munot, do not quit singing, okay? Always keep singing. Second is S26, Deepak. I don't know why, it doesn't even matter how Deepak, I think the reason you are here is because the track which you chose, it's not easy to sing. Trust me, I understand what you were singing. And maybe you said you had a bad throat, but you really took it well. So just compliment. Next is S02. Next, S2828. That could go well with you. आपने जो पहले गाना गा रहे थे, like you know how Ming said, it was a little very dull and you're out of focus. We got to see your voice quality. That's the reason you're here. Next time आप जब भी गाओ minus track के साथ गाओ, it will give you a much better platform, you know. S42. You were really sweet, and the way you're shaking your hand, the body language, that's your plus point. That's the reason you were here. Maybe because you're also a dancer and you know how it feels to be on stage. And S15. I think you have a very good voice. The selection of your song was nice, but I think if you pick up a nice romantic Hindi number, you'll do much better. S31.
आज आज आंटी जी ने तो एकदम हिला दिया, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आंटी जी आप नेक्स्ट टाइम जब भी गाएं ट्रैक के साथ गाएं, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस एंड विद रिस्पेक्ट। एंड द लास्ट वन इज S35. He was the only singer tonight जिसके अंदर मैंने वो फील देखा, आग बंद करके गा रहा था एकदम दिल से। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। एंड आई थिंक एवरीबडी एल्स हु टुक पार्ट टुनाइट, आई टोल्ड यू इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग बीइंग सिलेक्टेड ऑन दिस। आई थिंक एवरीबडी परफॉर्म वेल, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीबडी हू परफॉर्म टुनाइट। अलीना यू टेक ओवर। तो जैसे कि आप सबने सुना कि हाउ इंपॉर्टेंट इज माइनस वन, वो वैसा ही होता है कि समझो आप डांस कर रहे हो और म्यूजिक के बिना डांस करोगे तो मजा आएगा नहीं आएगा, है ना। हम जब करियोके करते हैं तो ऑब्वियसली साउंड लेवल हमेशा चेक करते हैं। सो बिफोर यू गाइस ऑलवेज सिंग, चेक योर साउंड लेवल विद द साउंड गाय, सो यू ऑल नो व्हाट इज योर रेंज। बट एनीवेज जो भी आगे जाएगा उनकी अच्छी खासी ट्रेनिंग होगी, लेकिन आप सब जानते हो कि ग्रैंड फिनाले के ग्रैंड जज कौन है, राइट? राइट? नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? Come on, everybody knows it. मैं बताऊंगा। उनका गाना आप सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पानी दा। Yes, but I will go ahead with that. All the best to all of y'all. आप yes, आप सब आगे जा रहे हो थोड़े समय के लिए, फिर पता चल जाएगा। तो जब तक इन सब की स्कोरिंग्स होती है कि इनमें से कौन है जो ग्रैंड फिनाले तक जाएगा, कुछ स्कोरिंग्स हो चुकी है। आई लाइक द साइलेंस, आई वुड लाइक द साइलेंस।